आज ही कोलकाता हाईकोर्ट ने इस इंडी अलायंस को एक बहुत बड़ा तमाचा मारा है। कोर्ट ने 2010 के बाद से जारी सारे ओबीसी सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया है। क्यों? ये इसलिए किया गया क्योंकि पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमानों का वोट बैंक के लिए अनाप शनाप मुसलमानों को ओबीसी बनाने के सर्टिफिकेट दे दिए थे। ये वोट बैंक की राजनीति, ये तुष्टीकरण की राजनीति, ये तुष्टीकरण की शनाख्त हर हर पार कर रही है। आज कोर्ट ने तमाचा मारा है। यही लोग कहते हैं साथियों, ये खान पार को, ये खान मार्केट गैंग, ये पापी की भागीदार है। यही लोग कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। ये लोग लगातार सरकारी जमीनें वक्फ बोर्ड को दे रहे हैं, बदले में वोट मांग रहे हैं। ये लोग देश के बजट का 15% माइनॉरिटी के लिए रिजर्व करना चाहते हैं। ये लोग बैंकों से मिलने वाले लोन वो भी धर्म के आधार पर देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर सरकारी टेंडर देना चाहते हैं। ये धर्म के आधार पर स्पोर्ट्स पैक खिलाड़ियों की एंट्री करवाना चाहते हैं। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स की पराकाष्ठा है। अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए ये लोग सीएए का विरोध कर रहे हैं। अपने इसी वोट बैंक को खुश करने के लिए इन्होंने देश भर में घुसपैठियों को बसा दिया है। यही लोग हैं जो दिल्ली के बाटला हाउस एनकाउंटर पर आंसू बहाते हैं। यही लोग हैं जो तीन तलाक के खिलाफ कानून, उसका विरोध करते हैं। तुष्टीकरण में एक से बढ़कर एक है। और इसी के लिए इन्होंने एक साथ आकर इंडी गठबंधन बनाया है। और साथियों, अब ये खान मार्केट गैंग के पास एक ही रास्ता बचा है। मोदी जितनी बार मुसलमान शब्द बोले उसको कह देना सांप्रदायिकता का भाषण कर रहा है। साथियों, मैं जब इनकी घोर सांप्रदायिक हरकतों को हकीकतों के द्वारा, तथ्यों के द्वारा एक्सपोज कर रहा हूं तो इनका पूरा इकोसिस्टम चिल्लाता है कि मोदी हिंदू मुसलमान कर रहा है। भाइयों बहनों, मुझे चिंता इस देश की है। आप आजादी के पहले के दिन देखिए, कांग्रेस पार्टी ने एक के बाद एक ऐसी ही हरकतें शुरू की थी जिसका परिणाम हुआ देश के टुकड़े हो गए, धर्म के आधार पर हो गए। मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रहा। ये लोग सुबह शाम रात दिन मुसलमान मुसलमान, वोट बैंक वोट बैंक, वोट जिहाद, यही उनका खेल चलता है। उनकी वोट बैंक पॉलिटिक्स को एक्सपोज कर रहा हूं। इन लोगों ने भारत की बिन सांप्रदायिक की भावना की धज्जियां उड़ाई है। इन्होंने संविधान के पीठ में छुरा फोंका है। इन लोगों ने संविधान की मूल आत्मा पर प्रहार किया है। जब एक क्षेत्रीय पार्टियों ने
कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक खा लिया, तब से कांग्रेस खुलकर और बड़े स्तर पर सांप्रदायिक साजिशें करने लगी है। कई बार लाख झूठ बोलते हुए भी शहजादे की जुबान पर सच्चाई तो आ ही जाती है। आज कांग्रेस के शहजादे ने एक बड़ा सच स्वीकार कर लिया। शहजादे ने मान लिया है कि उनकी दादी, उनके पिताजी, उनकी माताजी के समय जो सिस्टम बना वो दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों का घोर विरोधी रहा है। कांग्रेस के इसी सिस्टम ने एससी, एसटी, ओबीसी की कितनी ही पीढ़ियों को तबाह किया। आज शहजादे ने खुद ये बात मान ली है।